जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। शेरशाह बैच की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस के। इससे पहले हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट रहेगा 3। यहाँ पर हम डिटेल में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पिछले दो लेक्चर में से 24 क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुअर है। मुझे नहीं लगता कि 5 या 6% बच्चों से ज़्यादा कोई होगा जिसकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होगी। और ये आपके हालात तब हैं जब एक एक चीज़ हमने डिस्कस की थी। अगर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप खुद सोचिए कि कोई नए क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे। इसी वजह से लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रा बताना कि कितने मार्क्स आपके आए हैं इन 24 क्वेश्चंस में से, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। मुझे नहीं लगता कि 5 या 6% से बच्चे ज़्यादा होंगे जिनकी 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी थी। देखिए, जब आपको कोई भी टॉपिक करवाया जाता है ना, उसको सीरियसली देखा कीजिए। उसकी एक एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ पर ही आप ट्रिक हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उसे अप्लाई कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप डाटा इकट्ठा करते रहें, उसे आप समझते नहीं हैं, रिवाइज नहीं करते, उसे आप अप्लाई ही नहीं करते, तो एग्ज़ाम में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, पता चलना चाहिए कि आपका जोश भी है या नहीं पढ़ने का। क्योंकि अगर आपका जोश नहीं होगा तब तक पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इतने ज़्यादा टॉपिक्स आपको करवाए हैं, इतने अच्छे से करवाए हैं, उसके बाद में भी आप आंसर गलत मार्क कर रहे हैं। अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ पर आंसर्स, तो 50% से ज़्यादा सही आंसर मार्क करने वाले क्वेश्चन भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप तुक्का लगा रहे हैं, आपके सामने क्विज आ गया, बस अटैम्प्ट करते रहो। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलता। कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं ना, तो एग्ज़ाम की तरह किया कीजिए। तो चलिए अभी हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि 24 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे। अभी हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 equal parts इन द मंथ ऑफ जनवरीज। देखिए, आइसोथर्म का क्या मतलब होता है? थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, यानी जहाँ पर भी, जिन जगह पर भी हमारे सेम टेम्परेचर होते हैं ना, उसे हम डिपिक्ट करते हैं आइसोथर्म लाइन से। इसे हम मैप की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी लाइन जा रही है। जिस तरह से ये लाइन आपकी जा रही है ना, यहाँ पर आपकी जो जो प्लेसेस हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है बिल्कुल सिमिलर रहता है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लाइन आपकी कनेक्ट कर रही है, ये लाइन आपकी कनेक्ट कर रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है सिमिलर रहता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोथर्म लाइन का मतलब क्या है। आइसोथर्म का मतलब हो गया ऐसी लाइंस जो हमारी सिमिलर टेम्परेचर वाले एरियाज़ को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी हमारी ऐसी लाइन है जो भारत को 2 equal parts में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा भारत और यहाँ पर बीचों बीच से ये 20 degree Celsius वाली लाइन निकल रही है। ध्यान देने वाली बात है, आइसोथर्म लाइन जिसका टेम्परेचर 20 degree Celsius रहता है, ये भारत के बीचों बीच से निकलती है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, हमारी अलग अलग लाइंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपको ये भी पता है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, आपका टेम्परेचर जो है क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। इतना तो आप सभी को पता है ना, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, आपका टेम्परेचर जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से आप देखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर जो है इस लाइन पर 20 degree Celsius है, यहाँ पर 10 degree Celsius है, यहाँ पर 0 degree Celsius है, ऊपर जाते जाते -5, -10, -15 degree Celsius देखने को मिलेगा। इक्वेटर से नीचे की तरफ आएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएंगे, यहाँ पर भी वैसे ही होगा,
20 डिग्री सेल्सियस है, देन आपका 10 डिग्री है, देन आपका 0 डिग्री है, नीचे जाते जाएंगे हमारा तो -5 -10 -15 देखने को मिलेगा। इतना तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए कि जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो है यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर आपके और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हमारे इनसे रिलेटेड हैं। देखिए अगर आप हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी आइसोथर्म्स की लाइंस हैं, खासकर जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट पैरेलल है लैटिट्यूड्स के। जैसे आपको लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से 0 डिग्री 23 डिग्री, इस तरह से जो आपके लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं उन्हीं के पैरेलल ये लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा डेविएशन नहीं है, लेकिन अगर आप नदरन हेमिस्फीयर में देखेंगे तो यहाँ पर आप आइसोथर्म्स की लाइंस को देख सकते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा डेविएशन देखने को मिल रही है। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि जो हमारा लैंड है ये जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी हमारा धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं नदरन हेमिस्फीयर में हमारा बहुत ज़्यादा लैंड मास है। बहुत ज़्यादा लैंड मास होने की वजह से यहाँ पर जो हमारी आइसोथर्म की लाइंस है टेम्परेचर जो है उनका उसी वजह से ज़्यादा शिफ्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पर आइसोथर्म्स की लाइंस जो है हमें पैरेलल देखने को नहीं मिल रही। पहली चीज़ ध्यान में रखना, आइसोथर्म्स की लाइंस जो है हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में कंपैरेटिवली पैरेलल देखने को मिलती हैं, जबकि नदरन हेमिस्फीयर में हमें ये पैरेलल देखने को नहीं मिलती। ये तो हो गई पहली चीज़। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पर भी आपका सिर्फ पानी था, लैंड मास नहीं था, वहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल है हमारी आइसोथर्म वाली लाइन, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा लैंड मास है, बीच में पानी है देन लैंड मास है, वहाँ पर जो है डेविएशन बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान में रखना, जहाँ पर भी जो भी हमारी आइसोथर्म की लाइन सिर्फ और सिर्फ वाटर से निकलती है वो आपको पैरेलल्स देखने को मिलेंगी। जो हमारी वाटर लैंड के थ्रू निकलती है वो आइसोथर्म की लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है। अभी इसके अलावा आप देखेंगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पानी में आपकी लाइन जो है ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुई। जैसे हमने आई टी सीजन में भी देखा था, वाटर में जो आपकी लाइन्स हैं आइसोथर्म्स की टेम्परेचर की ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पानी हमारा धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपका क्या है अटलांटिक ओशियन है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो आइसोथर्म्स की लाइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा जहाँ पर हमारा पानी होता है वहाँ पर तो ज़्यादा शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पानी के अंदर भी आइसोथर्म्स की लाइन ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं तो उसके पीछे पक्का कोई रीज़न होगा। बिल्कुल रीज़न है। देखिए नॉर्थ अमेरिका के इस वाली साइड जो है आपको ओशियन करंट देखने को मिलता है, कौन सा, गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट की वजह से ही यहाँ पर जो आपकी आइसोथर्म की लाइन है पानी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो रही है। तो ध्यान में रखना, आपको पूछा जा सकता है कि अटलांटिक ओशियन में, क्योंकि पानी में हमारी आइसोथर्म की लाइन जो है ज़्यादा डेविएट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अटलांटिक ओशियन में ये काफ़ी ज़्यादा डेविएट होती है आइसोथर्म्स की लाइन, इसका रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर जो आपका ओशियन करंट है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, उसकी वजह से अटलांटिक ओशियन में जो आइसोथर्म की लाइन्स हैं काफ़ी ज़्यादा डेविएट होती हैं। अभी आपको याद होगा मैंने ओशियन करंट्स बताए थे दो तरह के होते हैं, जिनमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कोल्ड करंट्स की, और वहाँ पर मैंने बताया था उन करंट्स के अलावा हमारे जितने भी करंट्स हैं हमारे वार्म करंट होते हैं। और यहाँ पर जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है ना, ये जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है ये भी हमारा वार्म ओशियन करंट है। वार्म ओशियन करंट होने की वजह से ही यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, पानी में भी हमारी जो आइसोथर्म्स की लाइंस हैं काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर देख लीजिए, सिर्फ हमारा अटलांटिक ओशियन वाला पानी वाला रीजन ऐसा है जहाँ पर हमें ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलती है आइसोथर्म्स की लाइन में। इसके अलावा मैंने आई टी सी जेड के बारे में तो आपको बताया ही था, यहाँ पर जो आपका लिखा गया है थर्मल इक्वेटर,
थर्मल इक्वेटर आपका क्या होता है? देखिए हमारे एक तो हो गया इक्वेटर जो हमारा लैटिट्यूड वाला है, 0 डिग्री लैटिट्यूड आपका हो गया इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर का मतलब है जहां पर पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा रेडिएशन गिरती है। मैंने आपको समझाया था कभी हमारा सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज्यादा पास होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सबसे ज्यादा पास होता है, जिसकी वजह से जो आपका ITCZ है शिफ्ट होता रहता है। अभी जहां पर भी हमारा थर्मल इक्वेटर होता है वहीं पर उसी की तरफ तो हमारा ITCZ जो है शिफ्ट होगा। अभी यहां पर देखिए, यहां पर बात की जा रही है जैन के मंथ की। अभी जरा सोचने की कोशिश करिए, जैन के मंथ में आपका थर्मल इक्वेटर नदरन हेमिस्फीयर में होना चाहिए या फिर सदरन हेमिस्फीयर में होना चाहिए? नदरन हेमिस्फीयर में जनवरी के महीने में विंटर होती है, सदरन हेमिस्फीयर में आपकी समर होती है, जिसका मतलब यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में आपका सन होता है, जिसका मतलब थर्मल इक्वेटर जो है हमें सदरन हेमिस्फीयर में दिखना चाहिए। यही आपका समर सीजन होता नदरन हेमिस्फीयर में, जुलाई का मंथ होता तो थर्मल इक्वेटर हमें कहां पर देखने को मिलता? थर्मल इक्वेटर हमें देखने को मिलता हमारे नदरन हेमिस्फीयर में। थर्मल इक्वेटर हमारा वही एरिया है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जहां पर जिसके अकॉर्डिंग आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है, जहां पर हमारी हवाएं जो है आकर क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा। यहां पर पूछा गया था आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो यहां पर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ये कि गल्फ स्ट्रीम की वजह से जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वहां पर भी आइसोथर्म की लाइन जो है काफी ज्यादा शिफ्ट करती है। अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर, यानी भारत में ऐसी कौन सी जगह है इनमें से जहां पर जो आपकी बारिशें हैं काफी ज्यादा कम होती हैं। देखिए एक तो बारिशें आपकी कम होती हैं वेस्टर्न घाट्स की, अगर आप पीछे वाली साइड चले जाएंगे, एक हमारी बारिशें कम होती हैं हमारे राजस्थान वाली साइड पर, जहां पर हमारे डेजर्ट लाइक कंडीशंस हैं, जहां पर हमारी बारिशें नहीं होती। इसके अलावा हमारा जो लेह है वहां पर भी बारिशें नहीं होती। देखिए अगर हम लेह की बात करेंगे ना, तो लेह हमारा हिमालय से नॉर्थ की तरफ पड़ जाता है, बीच में आपके मिडल हिमालयाज आते हैं, लेसर हिमालयाज आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा लेह है इसकी लोकेशन जो है हिमालय से थोड़ी नॉर्थ की तरफ है। और मैंने जब मानसून के बारे में बताया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे हिमालयाज होते हैं ना, ये हमारे बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हवाएं जो हैं हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती, जिसका रीज़न है कि आपका मानसून की वजह से लेह में बारिशें नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपकी प्लेसेस हैं जोधपुर, ले, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली में तो आपकी वैसे ही बारिशें होती हैं, ले में आपकी बारिशें नहीं होती, रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो क्या ले ही हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पर भारत में सबसे कम बारिशें होती हैं? देखिए ले के अलावा भी आपका है जैसलमेर, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहते हैं। आपको पता है थार डेजर्ट है हमारा राजस्थान में, वहां पर जो हमारा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, भारत में सबसे कम रेनफॉल कहां पर होती है? जैसलमेर में होती है। अगर दो जगह पूछे जहां पर भारत में सबसे कम रेनफॉल होती है, एक है आपका जैसलमेर और एक है आपका ले। अगर सबसे कम पूछे देन आंसर रहेगा यहां पर जैसलमेर। इसके अलावा यहां पर एक और कंसेप्ट आता है विंड वर्ड का, ली वर्ड का। देखिए जैसे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन होने की वजह से हवाएं जो हैं वेस्टर्न घाट्स के एक साइड पर बारिशें करती हैं, लेकिन जो दूसरे वाला रीजन है, जैसे सपोज करिए यहां पर अगर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, यहां से आपकी हवाएं आई इस साइड पर, तो बारिशें काफी ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के पीछे वाली साइड जो है आपकी बारिशें नहीं होती। अभी जिस साइड आपकी बारिशें होती हैं इसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जहां पर आपकी बारिशें नहीं होती, जो जगह आपकी ड्राई रह जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड कहते हैं। और यहां पर लीवर्ड जो आपकी साइड है वेस्टर्न घाट्स के जो हमारे पीछे वाली लोकेशंस है, यहां पर दो लोकेशंस इंपॉर्टेंट है जहां पर बारिशें आपकी नहीं होती। पहला है आपका पुणे
और दूसरा है आपका यहाँ पर बेंगलोर। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मैंगलोर है, ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपका मैंगलोर है ये विंडवर्ड साइड में आता है, यहाँ पर आपको बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन पुणे आपका लीवर्ड साइड में है, बेंगलोर आपका लीवर्ड साइड में है, इसी वजह से यहाँ पर आपको बारिशें देखने को नहीं मिलती। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन तीन लोकेशंस के ऊपर। पहला है पुणे, यहाँ पर बारिशें नहीं होती लीवर्ड होने की वजह से, बेंगलोर में बारिशें नहीं होती ज़्यादा लीवर्ड साइड में होने की वजह से, बेंगलोर में बारिशें होती हैं क्योंकि ये आपका विंडवर्ड साइड में आता है। इसके अलावा जैसलमेर में बारिशें नहीं होती क्योंकि यहाँ पर आपका डेजर्ट है, डेजर्ट लाइक कंडीशंस है। ले में बारिशें नहीं होती, रीज़न बीइंग कि हिमालयस के नॉर्थ में है, वहाँ पर आपकी हवाएं नहीं पहुँच पाती। अभी यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो हमारा बेंगलुरु है, जो हमारा मैंगलोर है, सेम लैटिट्यूड्स के ऊपर हैं, फिर भी यहाँ पर रेनफॉल अलग अलग कैसे है। रीज़न वही है, यहाँ पर जो आपका मैंगलोर है वो विंडवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट्स के, बेंगलुरु जो है हमारा लीवर्ड साइड में है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। मैंने बताया था ए हमारा डिपिक्ट करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। अगर आपने कॉपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, शेरशाह बैच की प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कॉपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पर ए आपका डिपिक्ट करता है ट्रॉपिकल एरियाज को, सी आपका डिपिक्ट करता है टेम्परेट एरियाज को, जहाँ पर डी है वो डिपिक्ट करता है जहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बात की गई है ट्रॉपिकल की, तो ट्रॉपिकल को हम डिपिक्ट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। इसका आंसर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। इसके बाद में लिखा है सवाना क्लाइमेट। सवाना क्लाइमेट हमारा होता है जहाँ पर हमारा कोई ड्राई सीजन होता है, या तो वहाँ पर ड्राई समर सीजन हो या तो वहाँ पर ड्राई विंटर सीजन हो। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा। रीज़न क्या है, जहाँ पर हमारा विंटर सीजन ड्राई होता है उसे हम डिपिक्ट करते हैं स्मॉल लेटर डब्ल्यू से, जहाँ पर हमारा समर सीजन ड्राई होता है उसे हम डिपिक्ट करते हैं स्मॉल लेटर एस से, जहाँ पर 12 महीने बारिशें चलती हैं उसे डिपिक्ट करते हैं एफ से, जहाँ पर मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है उसे डिपिक्ट करते हैं हम छोटे एम से। यानी कि ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट पूछा है, सवाना का मतलब यहाँ पर ड्राई विंटर्स होंगी जिसे हम डिपिक्ट करेंगे स्मॉल लेटर डब्ल्यू से, ट्रॉपिकल को डिपिक्ट करेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर ए से। इसका आंसर क्या होगा, ए डब्ल्यू होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एफ सी, डी का मतलब हो गया यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका लैंड मास जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर छोटे एफ का मतलब है कि 12 महीने बारिशें चलती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो हमारे छोटे ए, छोटे बी, छोटे सी हैं, इनका क्या मतलब है, अगर जो हमारी समर है काफ़ी ज़्यादा हॉट है तो यहाँ पर छोटे ए से डिपिक्ट करते हैं, अगर हमारी समर कोल्ड है तो डिपिक्ट करते हैं सी से, अगर समर हमारी वार्म है तो डिपिक्ट करते हैं बी से। यानी यहाँ पर सी लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपकी समर होगी, समर सीजन में भी आपको ठंडक देखने को मिलती है, यहाँ पर आपकी कोल्ड समर होती है। एफ का मतलब यहाँ पर आपकी प्रेसिपिटेशन जो है चलती रहती है। सी डब्ल्यू जी का क्या मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया यहाँ पर टेम्परेट टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा, डब्ल्यू का मतलब हो गया यहाँ पर विंटर सीजन आपका ड्राई रहता है, जी यहाँ पर हमारे गंगा प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। एम का मतलब हो गया, ए का मतलब ट्रॉपिकल, एम का मतलब मानसून, यानी यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। अभी आपका होमवर्क ये है, क्योंकि हमने कॉपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कवर किया हुआ है, आपने मुझे बताना है भारत के कौन से एरियाज में आपको CWG वाला क्लाइमेट देखने को मिलता है और कहाँ पर आपको DFC वाला क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए, सबसे छोटी तो हमारी लक्षद्वीप है, लेकिन यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता। आपको यहाँ पर अरेंज करने के लिए भी कहा जा सकता है यूनियन टेरिटरीज को एरिया वाइज।
इसी वजह से हम क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं। हम सिर्फ देख लेते हैं कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लेकिन यहाँ पर हम ये ध्यान ही नहीं लगाते कि अरेंज करने के लिए भी कहा जा सकता है कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, किसका एरिया जो है सबसे कम है। अगर मैं बात करूँ कौन सी यूनियन टेरिटरी का एरिया सबसे ज़्यादा है, देन यहाँ पर आपकी लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख का एरिया सबसे ज़्यादा है। लद्दाख के बाद आपका किसका नंबर आएगा, सोचिए ज़रा। अंडमान या निकोबार आएगा या जम्मू एंड कश्मीर आएगा, सोचिए। देखिए यहाँ पर आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज आपकी फ़िलहाल में ही बनी हैं। इससे पहले अंडमान या निकोबार आइलैंड का एरिया सबसे ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी अभी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे ज़्यादा एरिया आपको किसका देखने को मिलेगा, लद्दाख का, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर का। इसके बाद में नंबर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। इसके बाद में आपका नंबर आता है न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली के बाद में आपका नंबर आता है जो हमारा दमन एंड दीव है और दादर एंड नगर हवेली है, वो अभी मर्ज हो चुकी हैं आपकी यूनियन टेरिटरीज। तो इसके बाद में नंबर आता है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ध्यान में रखना, सबसे पहले एरिया आपका लद्दाख का है, देन जम्मू कश्मीर का है, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, देन आपका न्यू दिल्ली का है, देन उसके बाद दादर एंड नगर हवेली का है। अभी आपकी कौन सी यूनियन टेरिटरीज बच गई, एक आपका बच गया पुडुचेरी, एक आपका बच गया चंडीगढ़ और एक आपका बच गया लक्षद्वीप। अगर बात करें दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव के बाद जिसका नंबर आता है, ये नंबर आता है आपका पुडुचेरी का। पुडुचेरी के बाद में आपका नंबर आता है चंडीगढ़ का, उसके बाद में आपका नंबर आता है लक्षद्वीप का। देखिए यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये ऐसे भी बन सकते हैं। यहाँ पर कह सकते थे कि बताइए इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है आपकी सबसे छोटी है, लेकिन यहाँ पर आपका लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं होता। अगर यहाँ पर लक्षद्वीप आपका ऑप्शन में नहीं होता, यहाँ पर आपका पुडुचेरी है, यहाँ पर चंडीगढ़ है, यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली है और यहाँ पर डाल देते अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। अगर आपको नहीं पता होता कि लक्षद्वीप के बाद जिसका एरिया आता है वो है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में आपका आता है एरिया पुडुचेरी का, उसके बाद में एरिया आता है आपका दादर एंड नगर हवेली का, देन आपका एरिया आता है आपके न्यू दिल्ली का, फिर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, फिर जम्मू एंड कश्मीर का, और सबसे ज़्यादा एरिया आपका किसका है, लद्दाख का है। तो ध्यान में रखना, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, हमारी लक्षद्वीप है। यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा कम है। अगर बात करें लद्दाख की, तो यहाँ पर लक्षद्वीप के बाद सबसे कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखना, एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, लद्दाख का है, फिर आपका जम्मू कश्मीर का है, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है यूनियन टेरिटरी की, उस अकॉर्डिंग भी अरेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ गया, आपका गलत हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जब तक मैं आपको पूरा अच्छे से ना बता दूँ पॉपुलेशन के बारे में। देखिए अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, तो यहाँ पर जो आपकी लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद में नंबर आता है हमारा लद्दाख का, यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसके बाद में आपका नंबर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, इसके बाद में आपका नंबर आता है दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव का, इसके बाद में आपका नंबर आता है जो हमारा चंडीगढ़ है उसका, चंडीगढ़ के बाद में आपका नंबर आता है यहाँ पर पुडुचेरी का। ध्यान में रखना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सबसे कम है, लद्दाख की उसके बाद, अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, देन आपका आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन आपका आता है दिल्ली। दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। आपको कन्फ्यूज़न लग सकती है जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली में, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन जो है हमारी बहुत ज़्यादा है,
इसी वजह से अगर पूछा जाए कौन सी यूनियन टेरेटरी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, देन आंसर रहेगा दिल्ली, और सबसे कम किसकी है, लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप का एरिया भी सबसे कम था, लेकिन लद्दाख का एरिया बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कम है। दूसरी तरफ अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर एरिया वाइज भी सेकंड नंबर पे थी, यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज भी आपको सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगी, जबकि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है आपकी सबसे ज़्यादा है। तो इसी ऑर्डर में ध्यान में रखना, एरिया वाइज यूनियन टेरेटरीज़ के बारे में पता होना चाहिए, पॉपुलेशन वाइज यूनियन टेरेटरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, CDS 2021 के लिए OTA कोर्स आपका अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। देखिए, अगर आप अपनी प्रेपरेशन के लिए सीरियस हैं, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इफ़ेक्टिवली अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, आज ही हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए और इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट में क्या होता है, देखिए जो आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है इसमें आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं हर एक मॉक टेस्ट में। सेक्शनल मॉक टेस्ट में क्या होता है, जैसे GS के हैं तो यहाँ पर एक हिस्ट्री का सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको अलग से देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग से देखने को मिलेगा, साइंस का अलग से देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स के सेक्शनल मॉक आपको अलग से देखने को मिलेंगे। इसी तरह से इंग्लिश में पैरा जंबल के आपको अलग से देखने को मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यानी कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपकी पूरी प्रेपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि दो घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने मार्क्स आते हैं। देखिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हैं, किसी के इंग्लिश में 80 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 85 आ रहे हैं, कई अभी अपने स्कोर को इम्प्रूव कर रहे हैं, गलतियों को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब तक आप टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के अंदर बिल्कुल नए क्वेश्चन डाले गए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डाले गए हैं, और यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, देन प्रिसाइज नोट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एग्ज़ाम प्रेपरेशन के टाइम पर आपको चाहिए और यहाँ पर अवेलेबल ना हो। इसी वजह से अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने दिन निकाल रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जब 10-20 दिन रह जाएंगे फिर आप पढ़ेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, कोर्स में एनरोल करिए, अपने टाइम की यूटिलाइजेशन करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ला सकें। अपने फ़ायदे के लिए एक बार इनरोल करिए, जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स हैं सभी लेक्चर्स मैंने लिए हैं, खुद से लिए हैं, और एक एक चीज़ को समझाया है, बिल्कुल प्यार से समझाया है और आसान भाषा में समझाया है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हमारे बाकी के क्वेश्चंस को। अभी हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स। देखिए, वर्ल्ड में अगर हम क्लासिफिकेशन करें सॉइल्स की मोटे मोटे तौर पर, तो हमें 12 तरह की सॉइल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका इंसेप्टी सॉइल्स आता है, एंटी सॉइल्स आता है, एल्फी सॉइल्स आता है, वर्टी सॉइल आता है, हिस्टो सॉइल आता है, इसके अलावा आपका ऑक्सी सॉइल आता है, मोली सॉइल आता है, एरिडो सॉइल आता है। यानी इस तरह से 12 तरह की सॉइल की क्लासिफिकेशन होती है। और यहाँ पर ये जो 12 की 12 टाइप्स है ना, इसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन UPSC में पूछे गए हैं। उनमें से ये सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि इंसेप्टी सॉइल्स क्या होते हैं, एंटी सॉइल्स क्या होते हैं, हिस्टो सॉइल्स क्या होते हैं, किसमें वेदरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक बैटर आपका किसमें ज़्यादा होता है। इस तरह के यहाँ पर आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे इंसेप्टी सॉइल्स की, एंटी सॉइल्स की। देखिए, जो हमारी सॉइल होती है ना, जिसकी नई नई फॉर्मेशन अभी स्टार्ट होती है, जो हमारी मेच्योर्ड सॉइल होगी ना, उसमें हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। लेकिन एक हमारी बिल्कुल नई सॉइल है जो अभी अभी पैदा होनी शुरू हुई है, वो हमारी सॉइल कौन सी होती है, एंटी सॉइल्स होती हैं। यहाँ पर इंसेप्टी सॉइल्स लिखा है, इंसेप्टी सॉइल्स में आपका वर्ड आ रहा है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है
बिगनिंग, यानी यहां पर जो आपकी लेयरिंग वाला फीचर है ना, वो बनना अभी अभी शुरू हुआ है। एंटी सॉइल्स में क्या है, अभी अभी आपकी सॉइल बननी शुरू हुई है, अभी अभी रिसेंटली बनी है। एंटी सॉइल का मतलब है रिसेंट। इंसेप्टी सॉइल का मतलब है इंसेप्शन, यानी कि अभी अभी वहां पर लेयरिंग वाला फीचर जो है बनना स्टार्ट हुआ है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बेसिक सॉइल आपकी कौन सी है, तो ये होती है आपकी एंटी सॉइल। एंटी सॉइल जैसे जैसे आपकी मेच्योर होनी शुरू होती है, तो यहां पर आपकी इंसेप्टी सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा यहां पर ये जो आपके वर्ड है ना, इंसेप्टी सॉइल हो गया, एंटी सॉइल हो गया, एल्फी सॉइल हो गया, वर्टी सॉइल हो गया, ऑक्सी सॉइल हो गया, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी भाषा से ये शब्द लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं ग्रीक और लेटिन भाषा से। ध्यान में रखना, देखिए जो हमारे एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं ना हमारे भारत में, चाहे AFO का पेपर हो गया या बाकी एग्रीकल्चर के पेपर हो गए, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं तो सभी पेपर्स के ऊपर ध्यान में रखता हूं, इसी वजह से मुझे पता है कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। UPSC में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन जल्द ही पूछा जाएगा कि यहां पर जो आपके वर्ड्स हैं इंसेप्टी सॉल, एंटी सॉल, एल्फी सॉल, हिस्टो सॉल, ये हमारी कौन सी भाषा से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं ग्रीक और लेटिन भाषा से। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर अगर आपको एंटी सॉल और इंसेप्टी सॉल में कंफ्यूजन हो, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। एंटी सॉल हमारा वो बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, यानी जो 10 दिन का है, 20 दिन का है। इंसेप्टी सॉल हमारा वो बच्चा है जो हमारा 4-5 साल का हो रखा है। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा, एंटी सॉल जो है हमारा सबसे ज्यादा बेसिक है, इंसेप्टी सॉल जो है उसमें धीरे धीरे लेयरिंग का फीचर जो है आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है। इंसेप्टी सॉल थोड़ी सी मेच्योर कैटेगरी वाली हमारी सॉइल होती है। इसके अलावा यहां पर पूछा गया है भारत में सबसे ज्यादा हमारे कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है इंसेप्टी सॉइल। अगर यहां पर अरेंज भी करना होता ना, तो यही ऑर्डर है, भारत में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है इंसेप्टी सॉइल, उसके बाद में देखने को मिलती है एंटी सॉइल, देन देखने को मिलती है एल्फी सॉइल, देन देखने को मिलती है वर्टी सॉइल। ध्यान में रखना, भारत में हमें सबसे ज्यादा इंसेप्टी सॉइल्स देखने को मिलती है। इवन यहां पर अगर वर्ल्ड की भी बात करते ना, तो वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा हमें इंसेप्टी सॉइल ही देखने को मिलती है, और भारत में भी सबसे ज्यादा इंसेप्टी सॉइल देखने को मिलती है। इंसेप्टी सॉइल के बाद एंटी सॉइल, देन हमारा एल्फी सॉइल, एंड देन वर्टी सॉइल। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे वर्टी सॉइल लिखा है, यहां पर वर्टी का मतलब होता है टर्न, यानी कि हमारी ऐसी सॉइल जो सॉइल की लेयर कभी ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल में आपका क्या होता था, क्ले का कंटेंट ज्यादा होता था। क्ले का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती थी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से जब वहां पर बारिशें होती है, तो लेयर एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करती है तो ऊपर की तरफ जाती है, बाद में इवेपोरेशन होती है तो श्रिंक करती है, श्रिंक करती है तो सॉइल की लेयर नीचे की तरफ आ जाती है। यही हमारा होता है वर्टी सॉइल में। इसी वजह से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक सॉइल हमारी किसकी टाइप है, ये हमारी टाइप है वर्टी सॉइल की, क्योंकि वर्टी सॉइल में भी हमारा क्या होता है, वर्टी सॉइल हमारी ऐसी सॉइल है जिसमें हमारा क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है। वर्टी का मतलब टर्न, टर्न का मतलब जब आपकी सॉइल की लेयर टर्न वाइज ऊपर से नीचे चली जाए, नीचे से ऊपर चली जाए। नीचे से ऊपर कैसे जाएगी, जब यहां पर पानी होगा, मॉइस्चर होगा, लेयर आपकी एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी जब यहां पर इवेपोरेशन होगी तो श्रिंक करेगी, श्रिंक करेगी तो नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वजह से यहां पर आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी ब्लैक सॉइल है किसकी एग्जांपल है, वर्टी सॉइल की एग्जांपल है। क्ले का कंटेंट किसमें ज्यादा होता है, वर्टी सॉइल में ज्यादा होता है। और वर्टी का मतलब क्या होता है, वर्टी का मतलब होता है यहां पर टर्न। इसके अलावा एंटी सॉइल में एंटी का क्या मतलब था, रीसेंट। ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपका नंबर आता है यहां पर एल्फी सॉइल का। देखिए आपकी ना तीन तरह की टाइप्स होती है यहां पर, आपका यहां पर एल्फी सॉइल होता है, यहां पर आपका अल्टी सॉइल होता है, यहां पर आपका मॉली सॉइल होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक हमारा होता है एल्फी सॉइल,
एक हमारा होता है यहाँ पर मोलिसॉल और एक यहाँ पर होता है हमारा अल्टीसॉल। अभी ये जो हमारी कैटेगराइजेशन यहाँ पर हो रखी है ना, ये हो रखी है बेस सैचुरेशन के अकॉर्डिंग। ध्यान में रखना, आपको पूछा जा सकता है कि एल्फीसॉल, मोलिसॉल, अल्टीसॉल की कैटेगराइजेशन बेस सैचुरेशन के अकॉर्डिंग हो रखी है या नहीं हो रखी। देखिए बेस सैचुरेशन आपकी क्या होती है, हमारी जो सॉइल है ना इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, अल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने सुना होगा ऑयल के अंदर बहुत सारे ऑक्साइड्स भी होते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर सॉइल के अंदर भी आपके रिएक्शन चलते रहते हैं। अगर यहाँ पर भी आपके रिएक्शन चलते रहेंगे तो यहाँ पर भी कोई आपका ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कोई ऐसा ज़रूर होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। जिसके ऊपर आपका कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बेस सैचुरेशन आपकी कुछ नहीं है, बेस सैचुरेशन हमें बताता है कि यहाँ पर कितने कटायंस की फॉर्मेशन हुई है रिएक्शंस के बाद। जितना हमारा बेस सैचुरेशन का लेवल ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा हमारे कटायंस बनेंगे जब हमारे सॉइल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनना, जहाँ पर हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर बेस सैचुरेशन लेवल को देखा जाता है, और बेस सैचुरेशन लेवल को देखने का मतलब है कि वहाँ पर कटायंस की फॉर्मेशन को देखा जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कटायन बनेंगे वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी हम बात करते हैं एल्फीसॉल के बारे में, अभी हम बात करते हैं अल्टीसॉल के बारे में, अभी हम बात करते हैं मोलिसॉल के बारे में। देखिए जो हमारा अल्फीसॉल है यहाँ पर बेस सैचुरेशन जो है 35% से ज़्यादा का रहता है, मोलिसॉल में बेस सैचुरेशन जो है 50% से ज़्यादा रहता है, अल्टीसॉल में जो बेस सैचुरेशन है 35% से कम रहता है। अगर कोई भी बंदा पूछे बताइए इनमें से कौन सी सॉइल आपकी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है मोलिसॉल जो है हमारी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि इसका बेस सैचुरेशन सबसे ज़्यादा है। जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे तो सबसे ज़्यादा कटायन बनेंगे, और जहाँ पर भी आपके मोलिसॉल होते हैं ना वहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। कभी भी पूछा जाए वर्ल्ड में जहाँ पर हमारे ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं वहाँ पर कौन सा सॉइल पाया जाता है, मिलता है, तो वो होता है आपका मोलिसॉल। और जहाँ पर भी आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं ना, फाइबर्स आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर होगा हमारा एल्फीसॉल। इसके अलावा ध्यान में रखना मोलिसॉल जो हमारा होता है ये हमारा सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, अल्टीसॉल जो है हमारा सबसे कम फर्टाइल है, एल्फीसॉल हमारा बीच में आता है, मोलिसॉल में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलती है, एल्फीसॉल में आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे, और इनकी कैटेगराइजेशन हो रखी है बेस सैचुरेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, वहाँ पर कितने आपके कटायन बने हैं यही बताता है बेस सैचुरेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। देखिए यहाँ पर टिम्बर वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, यानी एक्चुअल में जो हमारे ट्रीज होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें लकड़ी ट्रीज देखने को मिलते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए जो हमारा टुंड्रा रीजन होता है ना यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। अगर आपने कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था वहाँ पर जो हमारे सबसे ठंडे इलाके थे पोल्स के पास वाले, वहाँ पर हमने टुंड्रा रीजन की बात की थी। यहाँ पर आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट है यार, यहाँ पर आपका ड्राई विंटर्स है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल गिरती है, और यहाँ पर आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलते, जनरली टिम्बर वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती। तो ध्यान में रखना इनमें से हमारा कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर हमें टिम्बर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है, तो वो है हमारा टुंड्रा रीजन, क्योंकि टुंड्रा रीजन में आपका क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यहाँ पर आपके हाई एल्टीट्यूड एरियाज आएंगे। इसके अलावा जो हाई लैटीट्यूड एरियाज हैं वो भी टुंड्रा रीजन में आते हैं। जैसे अगर आप बात करें हमारे नॉर्वे वाली साइड की, यानी जो भी हमारे हिस्से नॉर्थ पोल के पास में आते हैं जो भी कंट्रीज, वहाँ पर आपको टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। जो हमारे साउथ पोल के पास आते हैं वहाँ पर टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अगर एलिवेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है
एल्टीट्यूड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर भी हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ना एक डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन है आपकी ट्री लाइन की। ट्री लाइन का मतलब होता है हमारा ऐसा एल्टीट्यूड, ऐसी एलिवेशन जिसके आगे हमारे ट्रीज जो हैं वो बॉर्न नहीं होते, पैदा नहीं होते, ट्रीज जो है वहाँ पर नहीं पाए जाते, वहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट है नहीं पाए जाते। ध्यान रखना ट्री लाइन की डेफिनेशन क्या है। ट्री लाइन की डेफिनेशन है हमारा ऐसी एलिवेशन जिसके बाद हमारी एक्सट्रीम कंडीशंस पाई जाती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होने की वजह से वहाँ पर हमें ट्रीज देखने को नहीं मिलते, वहाँ पर हमें फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा बात करें अल्पाइन रीजन, ये भी आपका यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है, यहाँ पर भी इतने ज़्यादा आपको घने फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें वो प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो थोड़े से एडजस्ट हो चुके हैं इस तरह के एक्सट्रीम क्लाइमेट में। लेकिन टुंड्रा क्लाइमेट में तो आपको टिम्बर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती, टिम्बर वेजिटेशन देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल का मतलब हो गया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर तो आपको देखने को मिलती है टिम्बर वेजिटेशन। टेम्परेट रीजन हमारा हो गया जो हमारा मिड लैटिट्यूड वाला है। अल्पाइन रीजन, थोड़ी अगर हम एलिवेशन बढ़ा लें जहाँ पर हमारे कोल्ड क्लाइमेट्स है वहाँ पर हमें अल्पाइन रीजन देखने को मिलता है। टुंड्रा रीजन जहाँ पर हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, और जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहाँ पर फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते, लकड़ी देखने को नहीं मिलती, ट्री देखने को नहीं मिलते, टिम्बर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखा, खासकर यूनियन टेरिटरीज को जो हमने एरिया वाइज अरेंज किया है या फिर पॉपुलेशन वाइज अरेंज किया है उसके ऊपर दोबारा से आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो आपका वेजिटेशन का टॉपिक है, सॉइल का टॉपिक है, या फिर क्लाइमेट वाला टॉपिक है, रेनफॉल वाला टॉपिक है, ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी वजह से इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपसे MCQ पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, एनरोल कीजिए, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मटेरियल मिलने वाला है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। जैसे आपको यहाँ पर समझाया गया है वैसे आपको कहीं पर भी नहीं समझाया जाएगा। अपने फ़ायदे के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर फ़ायदा जो है सिर्फ और सिर्फ आपका है। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।